Is this Yaz? Yes. ये आइनरवेयर माया का है। कौन ऐसा आइनरवेयर पहनता है? एक कोई शरीफ घर का लड़की तो ऐसा आइनरवेयर नहीं पहनता है। ये पहनता है, मैंने तो देखा है सिर्फ अंग्रेजी पिक्चर में देखा है। लास्ट 20 इयर्स आई एम मैरिड टू माय वाइफ एंड मेरा वाइफ ने कभी ऐसा कोई आइनरवेयर नहीं पहना है। ये आइनरवेयर पहनता है धंधे वाली, अपना क्लाइंट को रिझा सके, लुभा सके, मजा कर सके। बात समझ में नहीं आता कि राइप का वक्त ऐसा लूंगी, ऐसा लूंग सर लॉन्जरी, लो लॉन्जरी सर, ऐसा लॉन्जरी क्यों पहना? ये इन्हें ये क्यों हंस रहा? आई एम सॉरी योर ऑनर, I'm really sorry. यार आप कमाल हो यार, आप वकीलों के बाबा, आप चड्डी से इंसान का चरित्र बता देते हैं। I'm sorry your honor. Mr. Shukla, please. एक न्यायाधीश व्यक्ति के सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है? अगर उनको एतराज नहीं हो तो पूछ सकते। सर आप कौन सी चड्डी, मेरा मतलब है इनरवेयर पहनते हैं? राख, पर इसका इससे क्या लेना देना? वाह राख, उसमें जो एड दिखाया जाता है जिसमें लड़के के पूरे शरीर के ऊपर लिपस्टिक के निशान हैं, तो कुछ आपकी भी वैसी ही हालत होती होगी अंडरवेयर पहन के? या ये कहें कि जब भी आप ये चड्डी पहनते हैं तो आपकी भी उस लड़के के जैसे दूसरी महिलाओं को खुश करने की इच्छा होती है? बेहुदा बोल रहा है, इंसल्ट है, मेरी इंसल्ट है, जवान सवाल क्या बात करना है? ये कोई एड नहीं है, मैं कोई मेल साइज कट नहीं है। सर खामखा नाराज हो रहा है, जैसे आपकी चड्डी से आपके चरित्र का पता नहीं चलता, वैसे ही किसी लड़की के इनरवेयर से उसके चरित्र का पता नहीं चलता। यदि मुत्तु स्वामी की राय मान ली जाए तो संसार भर की वो सारी कंपनियां जो महिलाओं के लिए फैशनेबल इनरवेयर बनाती हैं, एक हिसाब से प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे रही है ना? मुत्थु स्वामी की ये राय यदि उन कंपनियों के कानों तक पहुंच जाए तो विश्वास कीजिए ये सारी कंपनियां मिलकर इनके ऊपर ऐसा मानहानि का दावा ठोकेंगी कि मुत्थु स्वामी की चड्डी उतर जाएगी और ये अपने लिए एक अदद चड्डी खरीदने के काबिल नहीं बचेंगे। ऑर्डर प्लीज। ये कहते हैं कि इन्होंने ऐसे इनरवेयर सिर्फ अंग्रेजी फिल्मों में देखे। योर ऑनर, ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सारे के सारे किरदार पूरी फिल्म में सिर्फ चड्डी पहन के घूम रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरे 20 साल की वैवाहिक जीवन में 20 इयर्स सर, यस थैंक यू, मेरी पत्नी ने आज तक ऐसा इनरवेयर नहीं पहना। अरे ये आपका व्यक्तिगत मामला है, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। लॉन्जरी से किसी लड़की के ऊपर लांछन लगाना ये कुछ और नहीं, इनकी विकृत मानसिकता का प्रमाण है जो चड्डी के आधार पर किसी के चरित्र का आकलन कर रहा है। व्हाट इज विकृत? परवर्टेड, सिक, गिरा हुआ, निम्न, नीच। साइलेंस साइलेंस। योर ऑनर, मान लेता है कि मिस माया बेल डांसर मतलब होटल और रेस्टोरेंट में आधी नंगी नाचती है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, बेली डांसिंग इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, इट्स नॉट प्रोस्टिट्यूशन फॉर गॉड्स सेक। मैं दावे से कहता है कि ये आइनर वेयर पहनने वाली धंधे वाली है, शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। नो, आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट, आई एम अ फॉरेनर इन योर कंट्री, बट आई एम नॉट अ प्रोस्टिट्यूट। हाउ डेयर यू कॉल मी दैट, हाउ डेयर यू कॉल मी दैट। This guy raped me here in your country, and you call me a prostitute. Order, please. Your Honor, मैं मकरंद जोशी और नाना पाटिल से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, उन्हें कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। ये लॉन्ड्री आपकी गाड़ी से बरामद हुई? हाँ। वहां कैसे पहुंची? पहुंच गई होगी? पहुंच गई। योर ऑनर, मैं बताता हूं कि ये लॉन्ड्री वहां कैसे पहुंची। मकरंद जोशी और नाना पाटिल ने देसी अड्डा बार के अंदर से नशे की हालत में माया को अगवा किया। ए झूठे,
उस रात ये इतनी पियली थी कि पूछो मत, और ना जाने क्या क्या इंजेक्शन भी ले रही थी। जज साहब, आप इसकी ये भोली वाली शक्ल पे मत जाना, एक नंबर की नशेड़ी है ये। हम इसे हाईवे ले गए और हमारा काम खत्म होने के बाद हमने इसे छोड़ दिया। क्या खत्म होने के बाद? काम खत्म करने के बाद हमने इसे छोड़ दिया। काम खत्म मतलब कौन सा काम? हमारा काम मतलब सेक्स, जैसे आप बोलो। तो आपने उसको पैसा दिया था? हाँ दिया था ना। कितना? अरे कितने दिले होते रे, याद नहीं भाव। दिया था कि नहीं दिया था? हाँ नहीं, नहीं दिया था। पक्का नहीं दिया था? नहीं दिया था। नहीं। मतलब सेक्स करने के बाद आपने माया को पैसा नहीं दिया? अरे कितनी बार बोलू, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। इन्होंने सेक्स करने के बाद माया को पैसे नहीं दिए। इससे दो बातें क्लियर होती हैं। एक, माया वैश्या नहीं है क्योंकि पैसों का आदान प्रदान नहीं हुआ। दो, इन्होंने खुद अपने मुंह से यह बात स्वीकार की कि इन्होंने माया के साथ सेक्स किया, नशे की हालत में माया के साथ जबरदस्ती की, दो दिनों तक उसको बंधक बनाकर रखा और फिर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि ये रेपिस्ट हैं, क्योंकि इनके साथ सहवास करने में माया की कोई मर्जी नहीं थी। इन्होंने माया को सेक्स के इरादे से देसी अड्डा बार से उठाया। योर ऑनर, मेरा काबिल दोस्तों मेरा क्लाइंट को रेपिस्ट बोल दिया, लेकिन जरा ये मेडिकल रिपोर्ट आप देख लेंगे। जब ये मिस माया सड़क पे पाई गई थी, उनका बॉडी में कोकेन था। हाँ मैं मानता हूँ कि उसके खून में ड्रग्स मिली, और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो खुद ही ड्रग्स में थी वो कैसे बोल सकती है कि शी वाज रेप्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ योर ऑनर कि माया के खून में बहुत मात्रा में ड्रग्स पाया गया, लेकिन जरा देखिए, एक अकेली बेचारी निहत्ती लड़की और दो गबरू जवान अगर जबरदस्ती उसको ड्रग्स के इंजेक्शन लगा दें तो वो क्या कर सकती है? योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे कुछ वक्त की मोहलत दी जाए, और साथ ही अदालत से प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों के खून की भी जांच हो, ताकि हमें पता चल सके कि ये दोनों ड्रग्स के हैबिचुअल यूजर हैं या नहीं। ठीक है, अदालत अगले महीने की 15 तारीख तक मुलतवी की जाती है। दरमियान अदालत पुलिस को आदेश देती है कि इस केस से संबंधित जितने भी सबूत हैं वो अगली हियरिंग में पेश किए जाएं। अदालत पुलिस को ये भी आदेश देती है कि इन दोनों अक्यूज के खून की जांच की जाए, ताकि ये पता चल सके कि ये लोग हैबिचुअल ड्रग यूजर्स हैं या नहीं। थैंक यू। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल द 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अच्छा मुत्तू, अच्छा कर रहे हो। और थोड़ा संभालो, उनको भी समझाओ बदों को। करते कर लेंगे। अरे मुत्तू साहब, हाँ कोर्ट का ऑर्डर है, इसको अरेस्ट करना पड़ेगा। अरे कमिश्नर से बात कर लेगा, तुम चिंता काहे को करता है। डेफिनेटली हाँ, चलो। उल्लू की तरह आंखें फाड़ के क्या देख रहा है बे? सोच रहे हैं, तेरे क्लाइंट को आज नंगा किया कोर्ट में, नेक्स्ट हियरिंग में तेरा चट्टी उतारेगा बारह बरी कोर्ट में। 10 जन्म लेगा ना, तब भी ये नहीं कर पाएगा। माँ कसम, अगर कोर्ट की हियरिंग नहीं चल रही होती ना, तो नंगा करके मैं तुझे सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारता। जाने दे मुत्तू, जाने दे, किसी आनी बिल्ली आई है खुजाने। काका खंबा नोचने। हाँ वही वही। ए गरीबों के जॉली LLB, निकलना पतली गली से, ये तो खाएगा फटके। बेटा पड़ेगी तेरे को पक्का, लड़कियों के साथ अय्याशी यही तेरी कमजोरी है ना। ए काला कोट सुन, मेरी और एक कमजोरी है, मेरा गुस्सा, मेरा आक्रोश, बच के रहना तू। बेटा मैं तो बच कर रहूंगा, लेकिन तू अपने गुस्से से बच कर रहना। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति ध्वंसात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशाय प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हुआ है, समझा? नहीं।